गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। एंड कल हेमंत जी का रात को शो था, तो आज हम लेट उठे हैं और बस मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट की तैयारी कर देती हूँ। और एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर अभी अनुराग जी की छुट्टियाँ हैं, दशहरा हॉलीडे स्टार्ट हो गई हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि लेट उठे हैं। चलो, ये हमारा जीरा वाटर रेडी हो रहा है, जब तक फिर हम इसको पीएंगे, तब तक मैं फटाफट हेमंत जी के लिए पराठे बना देती हूँ। पराठे बन के रेडी है और सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई मैंने, बिकॉज हेमंत जी को पराठे मलाई के साथ बहुत पसंद है, तो वो उसी से खाते हैं, और मेरे को चाय के साथ पसंद है, तो मैं चाय के साथ खा लेती हूँ। तो एंड अनुराग जी तो आपको पता ही है उनका क्या मूड होगा, किससे खाएंगे। कभी कभी वो कर्ड से खाना पसंद करते हैं, कभी गुड़ से खा लेते हैं, कभी जैम चाहिए होता है, तो मैनेज हो जाता है। ओके, चलो गाइस, फिर मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के साथ। आई एम वेटिंग फॉर हेमंत जी। देन अनुराग जी को तो मैंने उठाया नहीं, मैं कल रात को लेट सोए थे। हेमंत जी अराउंड 1:30 आए थे, तो जब तक पता ही है बच्चों का पापा नहीं है तो मतलब सोना नहीं है, मस्ती करनी है, तो बस 2 बजे तक वो भी जागा। फिर उसको मैंने सुलाया, जब पापा आ गए तब अपने आप ही सो गया, वैसे मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस पापा को देखना था कहाँ है पापा। बोल मुझे पूछ रहा था वो कि शिट आई फॉरगॉट चाय गिरी, फिर सफाई करनी पड़ेगी। ये चाय दूध ये तो बस आए दिन फैलता ही रहता है। चलो कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ, स्पेशली वुमेन्स का। और ये है हमारा हेमंत जी का स्टूडियो रूम। एंड हाँ, मैं क्या कह रही थी कि अनुराग मुझसे कल पूछ रहा था जब हेमंत जी शो पे गए थे कि पापा कहाँ गए, पापा डांस करने गए। और बोलता, मैं कह रही डांस नहीं, पापा तो गाना गाते हैं ना, वहाँ शो पे गए हैं। अच्छा, ओके, क्या करने गए। और आजकल ना इसके नए बहुत सारे सवाल, मतलब
हर मतलब हर कुछ भी चीज़ देखेंगे तो ही लास्ट में कि मम्मी क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है। एंड अगर किसी ने अगर कोई हमसे आके बात कर रहा है तो पूछेगा, उन्होंने आपको क्या बात बोली, उन्होंने आप सैटरडे क्या हुआ, हम कहीं गए थे बाहर गृह प्रवेश में, तो वहाँ हेमंत जी के फ्रेंड मिले, तो उन्होंने कुछ बात कर रहे होंगे हेमंत जी से, तो अनुराग जी तो पीछे ही पड़ गए भाई, बोलते उत्सव चाचू ने पापा को क्या बोला, क्या बात कर रहे थे उत्सव चाचू। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता क्या बात करी। फिर रात को 12 बजे उनको कॉल लगाया, बट वो ट्रैवल कर रहे थे तो शायद नहीं उठा पाए। तो मैंने कहा देखो वो चाचू फोन नहीं उठा रहे हैं, आप सो जाओ। अभी वो सो ही नहीं रहा था, वो बोलता है उन्होंने क्या बोला। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि वो सो ही नहीं रहा था, वो बोलता है नहीं मुझे बताओ उन्होंने क्या बात करी, क्या बोल रहे थे वो। हाँ बड़ी मुश्किल से उसको मनाया, उसके सामने हमने स्पीकर पे कॉल लगाया 2-3 बार, बट उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया बिकॉज ही वॉज ड्राइविंग। तो फिर उसको समझाया कि देखो चाचू सो गए हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो आप भी सो जाओ, कल मिलेंगे हम, तो फिर पूछ लेना आप खुद ही। भाई अभी जैसे जैसे स्टेज बढ़ रही है, उसकी एज भी बढ़ रही है, तो सॉरी कॉल आ रहा था किसी का। तो धीरे धीरे बहुत सारे बेटे वैसे बोलते हैं कि बच्चे अगर क्वेश्चन करें तभी तो सीखेंगे, समझेंगे कि ये है क्या एक्चुअल में या होता क्या है, तो अच्छी बात है। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा सवाल हो जाते हैं, तब लगता है यार प्लीज 2 मिनट शांत हो जाओ। चलो हेमंत जी भी फ्रेश हो गए तो मैं उनके लिए नाश्ता लगाती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब अनुराग जी उठेंगे तब मिलेंगे। चलो A few moments later. अनुराग जी उठ गए हैं, ये देख लिए, बोलो क्या बोलते हैं सुबह उठ के, तो जोर से बोलो थोड़ा, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मेरी तो छुट्टियां है। चलो मिलते हैं, मैं थोड़ा इसको रेडी करती हूँ, उसके बाद मैंने वेलकम बैक। अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ, अभी टाइम कुछ आई गेस 12:30 हो गए, लंच की तैयारी करते हैं, दशहरा हॉलीडेज ना, पूरा दिन किचन में लगे रहो। मैं मम्मा को तंग कर रहा हूँ, बोलो होता है हेमंत जी को खिलाना, गर्ल्स को बैंगन भी पसंद, तो मैं थोड़ा डिफरेंट वे में बनाऊंगी आज, आलू एंड बैंगन को अलग अलग फ्राई कर लूंगी पहले, और ये वहाँ कुछ यहाँ पे फ्रिज खोल के खड़े हो जाते हैं, ठंड लग जाएगी, हटो इधर आओ, आप चेयर लेके आओ भी, और तो इसको फ्राई करके फिर तड़का लगाएंगे तो थोड़ा ऐसे फ्राई कर लेंगे इनको, आलू को पहले फिर बैंगन को, ये मैंने काट के रेडी रखे हुए हैं, और ये है हमारा नौटंकी जो परेशान कर रहा है, पहला दिन है छुट्टी का और इसने पहले दिन ही मेरे को पूरा हफ्ते का नौटंकी दिखा दी। तो दिखाएंगे फाइनल लुक,
ब्राव जी और मैं तो खा लेते हैं बैंगन वगैरह, मतलब लौकी सब कुछ खा लेते हैं हम दोनों। राम और मोहन जो खाने पीने की उसकी आदत है वो पूरी मेरी तरह है। मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि बहुत कुछ जो मुझे पसंद है या जिस तरीके से मैं रिएक्ट करती हूँ नई चीज़ों से, मैंने इसमें वो देखा है कि ये भी सिमिलर। एक दिन ऐसे ही हेमंत जी और मैं बात कर रहे थे तो हेमंत जी ने बोला हाँ ये एकदम तेज़ तरह चूजी है, मतलब कोई चीज़ अगर खाने की इसको समझ नहीं आ रही कि क्या है, मैं ट्राई करूँ नहीं करूँ तो ही विल नॉट टच। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, मैं नई चीज़ें खाने की स्पेशली ट्राई करने में ना बहुत खुशी जाती हूँ। मेरे को पता नहीं क्यों ना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो मैंने कभी खाई नहीं है या कभी टेस्ट नहीं करी ना, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है मुझे जिससे कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, यही रहता है। सेम ये भी ऐसे ही है, कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद है खाने की वो अनुराग को पसंद है, तो इन अ वे ईजी भी हो जाता है मेरे लिए। मैं और अनुराग के अगर जैसे हेमंत जी को नहीं पसंद, हेमंत जी ना बड़ा तंग करते हैं अनुराग से ज़्यादा। अच्छा, इनको तो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दे दो, इन्होंने आलू पराठे गोभी पराठे छोले भटूरे ये सब खाने का बड़ा शौक है, लौकी तोरी करेला ये सब की बात आती है ना, बस बोलते हैं घर आते हैं ना, अगर क्लास जाते हैं घर आ रहे होते हैं तो रास्ते में फ़ोन करके पूछ लेते हैं आज क्या बनाया। अगर मैंने बोला लौकी या तोरी या फिर कुछ और ऐसा कुछ बनाया जो उनको नहीं पसंद, तो वो बाहर से थोड़ा बहुत स्नैक्स खा के आ जाते कि बस यहाँ पे भोग लगा लूँगा मैं थोड़ा सा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। बट मैं इनको जिद करके आप खिलाती हूँ सारा कुछ, बिकॉज अच्छी चीज़ें खाओ चलो ठीक है वो टेस्ट के लिए है, बट ये सब चीज़ें भी खानी है ना, सब्जियाँ इनसे बहुत, क्योंकि बॉडी के लिए कोई एक चीज़ आप रेगुलरली खाओगे तो वो नुकसान ही करेगी, सब चीज़ें खाओगे तो इट विल बी बेटर। इसीलिए अनुराग को तो मैंने शुरू से ही सारा कुछ खिला दिया, बैंगन हो गया, लौकी हो गई, सारी सब्जियाँ सब खिलाई हैं ताकि वो खाए। और मैं आपको दिखाती हूँ ये जो छुट्टी में मेरा क्या हाल हो रहा है, ये अनुराग जी के साथ देखो इन्होंने अपनी कार का क्या हाल किया है, देखो इस पे कौन कलर करता है भाई। हाँ हा? ये क्रेयॉन्स करने की जगह है तो फिर क्यों किया आप जी, गड्ढा नहीं करते बेटा, गड्ढा करोगे तो टूट जाएगी वो। इसने जब से वो एक बार जब बीमार जा रहे थे तो रास्ते में देखा वो घर तोड़ रहे थे तो वो देख लिया, बोलता मैं भी गड्ढा कर पीछे ही पड़ा रहता है। और ये हमारे बैंगन भी ऑलमोस्ट फ्राई हो गए, फटाफट हम आपको बनने के बाद लुक दिखाते हैं इसका, और टेस्ट तो खैर हम ही करेंगे बट कोई नहीं, आइए हमारे घर हम आपको बनाने पहले यम्मी यम्मी फूड। तो चलो गाइस मैं बना देती हूँ फटाफट से, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने जीरा डाला है, अभी जीरा थोड़ा भुन जाए तो हम इसमें कटी हुई प्याज, पहले मैं सोची थी इसको ब्लेंड कर लेती हूँ बट फिर मेरे को लगा नहीं टमाटो प्यूरी बना ली है तो दिस विल बी इनफ टू ईट। ये प्याज है, प्याज एंड लहसुन डाला है मैंने, अच्छे से हम कर लेंगे फ्राई। तो बस ये कि सब चल रहा है, प्याज हमारी लाल हो रही है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सब
इसमें मैं डाल रही हूँ इतना नमक, बिकॉज थोड़ी सूखी बनेगी तो अपने हिसाब से ही डालें, बिकॉज कहीं ज़्यादा हो गया तो मुश्किल है। ये गरम मसाला डाला मैंने, ये थोड़ा हरा धनिया। मैं हम लोग मिर्ची अनुराग की वजह से नहीं खाते हैं, बिकॉज कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी नहीं देना चाहिए, बिकॉज अभी उनके पेट में मतलब इतने स्ट्रॉन्ग्स नहीं है उनके इंटेस्टाइन वगैरह, तो बोलते हैं कि मतलब माइंड बहुत मिनिमम स्पाइस वाला खिलाएंगे तो उनको अच्छा रहेगा डाइजेशन में, वरना फिर वही सब कॉन्स्टिपेशन एंड वो सब की दिक्कत हो सकती है। अभी मैंने डाल दिया इसमें टोमेटो प्यूरी, कलर थोड़ा सही दिख रहा है, हम इसको पकने देंगे। तो फाइनल लुक देखेंगे, बस इसके बाद कुछ नहीं है, थोड़ा मसाला भून जाए, टमाटर अच्छे से मतलब कच्चे कच्चे स्वाद ना आए, उसको पकने देना है। उसके बाद हम आलू बैंगन जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं वो डाल देंगे, ये जो है ये इसमें डाल देंगे, एंड इसको थोड़े देर धीमी आंच पे कम से कम 10 मिनट या 10 से 15 मिनट पकने देंगे, एंड योर वेजिटेबल इज़ रेडी, वेजिटेबल करी। तो चलिए लंच के टाइम मिलते हैं आपसे। अभी हेमंत जी तो क्लास ले रहे हैं, वो बिज़ी हैं, और ये देखिए हमारे छोटे नवाब कितने ठाट से बैठ के आप बालकनी में मज़े ले रहे हैं दुदू फिनिश करके। फिनिश हो गया, थैंक यू। और क्या चल रहा है? ये देखो लाला जी की तरह बैठे हैं, मेरे कज़न भैया हैं प्रिंस भैया, वो तो इसको लाला जी बोलते हैं, बोलते ये लाला जी की तरह चलता है। और ये इसको जो बच्चों का कार्टून आता है टीवी में यूट्यूब में, उसमें लाला जी वाला एक है राइम, इसको वो बहुत पसंद है। मैं कह सही है, आज कपड़े भी धो दिए सारे, एक्चुअली ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। दोपहर का टाइम होता है कि थोड़ा रिलैक्स करे आफ्टर लंच, एंड जब ये सो जाता है थोड़ी देर तब मैं थोड़ा मज़ा आता है मेरे को, मैं रिलैक्स करके देखो, नहीं तो यही होता है मम्मी जी इधर आना, मम्मी जी ये करना। ये देखो क्या चाहिए आप जी को, शीशे में देख रहे हो अपने आप को, तो ये हमारी बालकनी है, अभी थोड़ा मेंटेन करना है, सोचा है कि थोड़ा, अरे मैं बोलेगी, मैंने कपड़े लगाए हुए थे, चलो गाइस मैं मिलती हूँ, वरना मेरे कपड़े सब्जी सब मैस सब हो जाएगा। हमारी सब्जी बन गई है, तो दिस इज़ द फाइनल लुक, एंड तेल पूरा छोड़ दिया है सब्जी ने, एंड इट लुक्स यम्मी। चलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। और हमारा था शो तो बहुत अच्छा शो रहा, सूफियाना शो। अगर उस शो की जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम की आईडीज यहाँ पे मैं डाल दूँगा, तो यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर ले ताकि आपको शोज़ की भी अपडेट मिलती रहे, क्योंकि सारी म्यूज़िकल वीडियोस जो भी होती हैं इंफॉर्मेशन मैं इंस्टाग्राम पे ही शेयर करता हूँ, यूट्यूब पे बहुत कम ही, यूट्यूब पे अभी ब्लॉग्स ही डालेंगे हम। तो ये है मेरा म्यूज़िक रूम, कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे पूरा सेटअप है, अभी थोड़ा खलारा मचा हुआ है,
तो आपको अच्छे से बताएंगे, दिखाऊंगा मैं अपना म्यूजिक रूम, अलग से एक ब्लॉग बनाएंगे उसके ऊपर। उसके मुंह में पानी आ गया। उसके मुंह में पानी आ गया। नाम सुन के पानी आ गया। अनुराग आपको भी खानी है काजू कतली खानी है? मिठाई का चटोरा है अनुराग। एयरपोर्ट में मिल रही थी।